नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। डीएम सुहास सेलवाई ने इतिहास रचा है। जी हां, टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में रविवार के दिन भी भारत की शानदार शुरुआत हुई। नोएडा के डीएम सुहास सेलवाई अथिराज ने टोक्यो पैरालंपिक में इतिहास रच दिया है। उन्होंने पुरुष की एकल SL4 इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर भारत की झोली में डाल दिया। सुहास फ्रांस के टॉप शेड सल्ट लुकास मजूर से कड़े मुकाबले में 21-15, 17-21 और 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। भारत का ये कुल 18वां मेडल है। उसने 4 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सुहास के सिल्वर मेडल जीतने पर उनकी मां जयश्री ने कहा है कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है, उन्होंने महान सफलता पाई है। मैंने उनके मैच का आनंद लिया, वो बचपन से खेल में सक्रिय थे और पढ़ाई में भी शानदार थे। भारत को उन पर गर्व है और गर्व हो भी रहा है। वहीं सुहास की पत्नी ऋतु सुहास ने कहा है कि हमारे लिए वो जीत चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खेला और देश का नाम रोशन किया, हमें उन पर गर्व है, ये पूरे देशवासियों के लिए हर्ष का विषय है। सुहास की इस जीत पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे खुशी है कि अपने प्रशासनिक दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ ही उन्होंने पैरालंपिक में भी बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुहास की जीत पर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। तो आखिरकार नोएडा के डीएम सुहास सेलवाई ने इतिहास रचा है और सिल्वर अपने नाम किया है। बैडमिंटन में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया सुहास सेलवाई ने। चारों तरफ खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, देश उन पर गर्व महसूस कर रहा है, नोएडा में जश्न मनाया जा रहा है। इसके अलावा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी काफी ज्यादा खुश हैं और गौरवान्वित हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके सुहास एलवाई को बधाई दी है। इसके अलावा उन्होंने सुहास एलवाई से फोन पर बात भी की थी। तो बैडमिंटन में सिल्वर मेडल अपने नाम सुहास एलवाई यहां करते हुए नजर आए हैं और ये बेहद खुशी का माहौल है क्योंकि नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने इतिहास रचा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, नोएडा के डीएम सुहास सेलवाई ने इतिहास रच दिया है। दरअसल टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर अपने नाम किया है। लगातार देश उन पर उम्मीदें लगाए बैठा था और उन उम्मीदों पर सुहास सेलवाई खरे उतरते हुए नजर आए हैं। परिवार में भी खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट करके बधाई दी है, साथ ही साथ फोन पर उन्होंने डीएम सुहास सेलवाई से बातचीत भी की है। तो इतिहास रचते हुए यहाँ डीएम नजर आए हैं टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में रविवार। अगर आज की मैं बात करूं तो भारत की शानदार शुरुआत हुई है। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने टोक्यो पैरालंपिक में इतिहास रच दिया है। दरअसल उन्होंने पुरुष की एकल SL4 इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर भारत के नाम किया है और भारत की झोली में डाल दिया है। सुहास ने फ्रांस के टॉप शीर्ष शटलर लुकास मजूर से कड़े मुकाबले में 21-15, 17-21 और 15-21 से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भारत का ये कुल 18वां मेडल है। भारत ने 4 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सुहास के सिल्वर मेडल जीतने पर उनके परिवार में भी खुशी का माहौल है। उनकी माताजी जयश्री ने कहा है कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है, उन्होंने महान सफलता पाई है, मैंने उनके मैच का आनंद लिया, वो बचपन से ही खेल में हमेशा सक्रिय रहे हैं और पढ़ाई में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए हमेशा से ही नजर आए हैं, भारत भी उन पर गर्व कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए नोएडा के डीएम सुहास सेलवाई की पत्नी ऋतु सुहास, तो उनका कहना है कि हमारे लिए खुशी का माहौल है, वो बहुत अच्छा खेलते हैं और देश का नाम भी उन्होंने रोशन किया है, हमें उन पर गर्व है और ये पूरे देशवासियों के लिए हर्ष का विषय है। वहीं सुहास की जीत पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाइयां दी हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे खुशी है कि अपने प्रशासनिक दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ ही उन्होंने पैरालंपिक में भी बड़ी सफलता हासिल की है। वाकई गौरव का माहौल है। जहां एक तरफ वो कानून व्यवस्था को लगातार सुचारू करते हैं नोएडा में, तो वहीं दूसरी तरफ वो खेलों में भी इतने कुशल हैं, इसकी वानगी पैरालंपिक्स में देखने के लिए मिल गई है। सिल्वर वो अपने नाम कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुहास की जीत पर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी और खुद फोन करके उनसे बातचीत भी की है। और आगे बढ़ते हुए आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। जी हां, महापंचायत से क्या निकलेगा हल, ऐसा सवाल हर किसी के जहन में है क्योंकि पिछले कई महीनों से किसान जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर। लेकिन आज एक बड़ी महापंचायत शुरू हो चुकी है मुजफ्फरनगर में।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में भाजपा सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। यहां होने वाली महापंचायत के लिए आयोजकों और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर रखी हैं। करीब 2 लाख वर्ग फुट के पंडाल के साथ वाटरप्रूफ मंच भी बनाया गया है। महापंचायत में शामिल होने के लिए यूपी समेत हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान तमाम राज्यों से किसान पहुंच रहे हैं और पहुंच भी चुके हैं कुछ हद तक। इनके ठहरने और भोजन की विभिन्न स्थानों पर व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, वहां पर खाना भी बनाया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, अर्धसैनिक बल की भी तैनाती की गई है। सीमाओं पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिसकर्मी भी तैनात है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगभग कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में होने जा रही किसान महापंचायत की कई दिन से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही थी। हालांकि 3 दिन से हो रही बारिश ने तैयारियों में खलल जरूर डाला। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम स्थल पर पानी भरा निकालने में जुटे हुए थे। भाकियों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युद्धवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया और बारिश की आशंका के चलते अधिकांश मैदान को कवर किया गया है। उधर प्रशासन ने 22 स्थानों पर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट तैनात किया हुआ है। महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यानी कि इस महापंचायत से क्या अब हल निकलने वाला है, ऐसे तमाम सवाल हैं जो सबके जहन में आ रहे हैं और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इन सवालों का जल्द से जल्द जवाब मिल पाए। आज की जो महापंचायत है इसको लेकर तमाम तैयारियां कई महीनों से चल रही थी और आखिरकार आज महापंचायत होने जा रही है। तमाम जिलों से जो किसान हैं वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसान हो, चाहे वो उत्तराखंड के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, राजस्थान के हो, तमाम राज्यों से किसान यहां जुटे हुए हैं। एक भारी संख्या जो है वो देखने के लिए मिल रही है। हालांकि राकेश टिकैत वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन उनका यह कहना है कि वो मुजफ्फरनगर की जमीन पर पांव नहीं रखेंगे। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर मैं यहां पर पांव रखता हूं तो फिर हमें जेल में डाल दिया जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं यहां से आवाज उठाना चाहता हूं और जब तक मैं बाहर रहूंगा तो मैं आवाज उठाता रहूंगा किसानों के लिए। देखिए, एक संदेश है कि किसान दुखी है। किसान की उपस्थिति यह जाहिर करेगी कि हम दुखी, हम इन कृषि कानूनों से सहमत नहीं है, जो सरकार की अन्य किसान नीतियां उनसे सहमत नहीं है। ये लोकतंत्र में यही कर सकते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से 9 महीने से वहां बैठे हैं, अब यहाँ कल को इकट्ठा होकर के संदेश देंगे। कोई पढ़े ना पढ़े उसका काम है भाई। अब मेरे चौधरी देवीलाल की एक बात याद आती है, लोक राज लोक लाज से चलता है। अगर सरकार को लोक लाज होगी तो सरकार सुनेगी, और लोक लाज नहीं है तो लोक राज में रहने का भी कोई औचित्य नहीं है उनका। तो मुजफ्फरनगर में महापंचायत का जो आयोजन किया गया है और ये आयोजन की तैयारियां जो हैं वो कई महीनों से चल रही थी, आखिरकार बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंचे हुए हैं। आज महापंचायत होगी, आगे क्या रणनीति किसानों की होगी आज तय कर लिया जाएगा। सरकार से क्या वार्ता करनी है, वार्ता में क्या कुछ रखा जाएगा, इसको लेकर आज किसान आपस में महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है। खाने पीने की व्यवस्था अलग से की हुई है। सुरक्षा की मैं बात करूं तो तमाम पुलिसकर्मी जो हैं मौके पर मौजूद हैं। मजिस्ट्रेट जो हैं वो भी तमाम सीमाओं पर तैनात नजर आ रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई और जो महिला किसान वहां पर पहुंच रही हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। दरअसल किसान पिछले साल से ही दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर आंदोलनरत है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि MSP पर कानून बनना चाहिए, 3 कृषि कानून वापस सरकार ले, अगर ये मांगे सरकार नहीं मानती तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखिए, 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, या मैं कहूं कि अब लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन किसान पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे वो बारिश हो, चाहे वो गर्मी हो, या फिर कड़ाके की ठंड हो, किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। किसानों का ये कहना है कि जो फर्जी मुकदमे किसानों पर दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। पराली जलाने को लेकर जो मुकदमे हुए हैं उन्हें भी वापस लिया जाना चाहिए। जो गन्ना किसान हैं उनका भुगतान जल्द से जल्द होना चाहिए। और जो बिजली कटौती होती है लेकिन बिजली के बिल फिर भी किसानों के इतने ज्यादा आते हैं, उस पर भी उन्हें राहत मिलनी चाहिए। 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, MSP पर कानून बनना चाहिए। तमाम मांगे जो हैं वो किसानों की है। सरकार संशोधन के लिए तैयार है। अगर मैं बात करूं तो पिछले 2-3 महीनों से वार्ता नहीं हुई, लेकिन उससे पहले करीब 12 बार किसानों की और सरकार की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वार्ता से कोई हल नहीं निकला है।
किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि हमें सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं हमें उससे आपत्ति जरूर है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो तमाम ऐसे विपक्षी दल हैं जो लगातार किसानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और इस महापंचायत का भी उन्होंने समर्थन किया है, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर बसपा हो, तमाम ऐसे दल हैं। इसके अलावा छोटे छोटे दल भी हैं जो लगातार इस महापंचायत का और किसानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। इधर किसान भी लगातार अपनी आवाज तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि माहौल खराब ना हो इससे पहले ही तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात है, अर्धसैनिक बल तैनात है, मजिस्ट्रेट जो हैं वो सीमाओं पर लगे हुए हैं पुलिसकर्मियों के साथ, महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद है और वहां पर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम शांतिपूर्वक यहां महापंचायत करने जा रहे हैं, हमारा इरादा सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों को रखना है सरकार के सामने और देश के सामने। वो तो मुजफ्फरनगर की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, लगातार न्यूज वाल इंडिया भी इस पर नजर बनाए रखेगा। वहीं मथुरा के को गांव में विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने डेंगू पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर बीमारी के चलते हुए बच्चों की मौत के बाद दर्जनों परिजनों को सांत्वना देते हुए पूरे मामले को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि यहां के आसपास के लोगों के साथ साथ जिले भर के लोगों से मेरी अपील है कि वो अपने आसपास गंदगी और पानी को ना जमा होने दे, इकट्ठा ना होने दे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से अभी तक कई बच्चों की बीमारी के चलते मौत हुई है वो काफी दुखद है और उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन हम और सरकार चाहते हैं कि इस बीमारी को यहीं के यहीं रोका जाना चाहिए ताकि अन्य गांव के साथ साथ लोगों में ये ना जा सके। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जो वायरल बुखार है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डेंगू मलेरिया जैसे लक्षण जो हैं वो बच्चों में देखे जा रहे हैं, कई बच्चों की जान जा चुकी है और कई लोग अब भी इस गंभीर बीमारी की जद में हैं। ऐसे में प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, परिवार परेशान हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात लगातार यहां पर मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। को गांव में विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे, उन्होंने डेंगू पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है और कहा है कि लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि तमाम जो सुविधाएं हैं वो आप लोगों तक पहुंचे, लेकिन आप लोगों को जागरूक रहना चाहिए, अपने आसपास गंदगी और पानी जमा ना होने दें। आज माननीय कैबिनेट मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी का विजिट ग्राम कोह में हुआ और मैं भी आज यहाँ पर तीसरी बार आया हूँ। इसके अतिरिक्त जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी या सीएमओ, उनकी भी लगातार विजिट्स गांव में रही हैं। गांव में साफ़ सफाई, सैनिटेशन, फॉगिंग, एंटी लार्वा जो स्प्रे है वो लगातार होता रहे, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है। लगभग पिछले हफ्ते 10 दिन से ये गतिविधि चल रही है, मोबाइल ओपीडी के माध्यम से घर घर सर्वे कराकर और मेडिसिन भी बांटी जा रही हैं, जानकारी भी ली जा रही है उनके फीवर के संबंध में। जो घरों में खड़ा पानी है वो ना रहे, इस चीज़ के बारे में लगातार घर घर अनाउंसमेंट्स करके भी, मुनादी करके भी और लोगों को जागरूक करके इंश्योर कराया जा रहा है और उस पानी को, चाहे वो कूलर के नीचे फ्री है उससे निकाला जा रहा है या यूटेंसिल्स हैं उनके अंदर पानी छतों पर या घरों के अंदर रखा है उसे निकाला जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरुआत में 3 एम्बुलेंसेज यहाँ पर 24 घंटे रही, अब 2 एम्बुलेंसेज यहाँ पर रखी जा रही हैं। वहीं मथुरा के विधायक और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के कार्यकाल को 4.5 साल बीत जाने पर जब हमारे चैनल द्वारा मथुरा में स्थानीय लोगों से उनके किए वादों के साथ विकास कार्य पर बात की गई तो भले ही ऊर्जा मंत्री कुछ भी कहें लेकिन अगर जनता की माने तो उन्होंने जमीनी स्तर पर कोई विकास कार्य नहीं किया है। जब मथुरा के स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा है कि भले ही ऊर्जा मंत्री हैं लेकिन जिस कदर बिजली की दरें महंगी हुई हैं वो गरीब जनता के लिए किसी भी तरह से लाभदायक नहीं है, क्योंकि जब बात उनके द्वारा किए वादों पर की जाती है तो वो कितना खरे उतरते हैं इससे यही पता चलता है कि मंत्री जी भले यूपी के लिए बिजली देने में लगे हैं मगर वो कहीं ना कहीं अपने विधानसभा स्थल पर लोगों के लिए उस तरह से काम नहीं करते दिखाई देते जैसे उन्हें संतुष्टि की जा रही है और जैसे वो संतुष्ट जनता को करते हुए नजर आ रहे हैं, वैसा काम धरातल पर नहीं हो रहा है। तो विधायक और ऊर्जा मंत्री से नाराज दिखे ग्रामीण, 4.5 साल बीत जाने के बाद भी विकास ना होने का जो ग्रामीण हैं दावा करते हुए नजर आए हैं। 6 साल से तो ये समस्या है, ये कमर पानी रहता है, अरे कमर कमर पानी लगभग के पीछे पानी ना हो तो कभी किसी से शिकायत की है किसी अधिकारी? मुख्यमंत्री पोर्टल तक डाला हुआ है, सभी एमएलए एमपी
और यहाँ जो है डीएम तक इसकी सूचना भी है और इसके मैसेज भी बैक आए, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं। बता दे एमएलए कौन है आपको यहाँ पे? श्याम सुंदर शर्मा जी। उनसे कभी शिकायत की? उनको तो देख के गए, कई बार यहाँ से निकल के गए, हर बार यही बोल के जाते हैं कि दो महीने में विकास करा दूंगा, दो महीने में खाली करा दूंगा, लेकिन अभी सुनवाई नहीं है। तो अभी आपको पता है जिले में मलेरिया वगैरह फैला हुआ, क्या कहेंगे? मलेरिया हम तो लोग प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। प्रशासन की गलती है या सिर्फ वोट मांगने के लिए लोग आते हैं? ये तालाब से जा रहा है, कोई सफाई नहीं, समर चलती है गांव की, पानी की निकासी नहीं कोई करा रहा है कहीं। तो इस तालाब की सफाई नहीं हुई है? तालाब की सफाई भी नहीं होती है। कितने दिनों से नहीं हुई है तालाब की? कम से कम 5-6 साल। तो इसकी शिकायत की किसी से? शिकायत हमने मतलब शासन और प्रशासन सबसे कर दी, योगी आदित्यनाथ तक फैक्स कर दिए। तो अपने जनप्रतिनिधियों से किया आपने? ये कह देते हैं हाँ कराएंगे, लेकिन करा कोई नहीं। पटवारी आ गए, कानून वो आ गए। किस विधानसभा में पड़ा? ये माट विधानसभा है। माट विधानसभा में तो विधायक कौन है आपके? श्याम सुंदर शर्मा जी। उनसे शिकायत किया आपने? हाँ किया। वो कह रहे कराएंगे कराएंगे। सुनो वो है 9 साल आए पेंशन, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई ना है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि ये ऊंची उठ के इधर पानी ना आए। चार साल बीत जाने के बाद विकास नहीं हुआ है, तो तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और यहां पर जो ग्रामीण है इसी वजह से नाराज है। उनका कहना है कि बिजली तो दी जा रही है, लेकिन बिजली की दरें लगातार बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और अलग से महंगाई की मार वो झेल रहे हैं। वहीं हरदोई की हरियाबा पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 असलाह तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से अवैध शस्त्र के साथ शस्त्र बनाने के उपकरण, कारतूस, खोखा और बरामद किए गए। इधर पुलिस ने यह सफलता एसपी हरदोई अजय कुमार के निर्देश में चलाए जा रहे ऑपरेशन सिकंजा के तहत पाई है। तो हरदोई से खबर सामने आई जहां पर अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है और इसके साथ ही 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया गया। हरदोई का एक पूरा मामला जहां पर अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। दरअसल पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया था, इस अभियान के तहत ये सफलता पुलिस को हाथ लगी है, जिसमें तमाम असलाह बरामद हुए हैं। इसके अलावा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और इसी के तहत पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है। तमाम ऐसी जो अवैध असलाह फैक्ट्रियां हैं उन पर छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के तहत जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, जो अवैध असलाह फैक्ट्री चला रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि कुछ बताए जा रहे हैं यहां से फरार हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। तो 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। जनपद हरदोई का मामला है, हमारी हरियाणा पुलिस टीम को सफलता मिली है। इन्होंने अवैध असलाह बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। इस गैंग के 2 शातिर बदमाशों राजपाल उर्फ खरगू और राकेश उर्फ राका को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से बने अधबने 3 असलहे बरामद हुए हैं तथा असलाह बनाने के उपकरण भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। साथ ही साथ ये जो राजपाल है इसके खिलाफ 1/2 दर्जन से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। ये लोग तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये में बने हुए तमंचे सप्लाई करते हैं। जिन जिन लोगों को उन्होंने तमंचे सप्लाई किए हैं उनके बारे में भी गहन जांच पड़ताल के लिए एक टीम लगाई गई है। पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारी रजनीश गुप्ता ने परिवहन विभाग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान परिवहन विभाग कंपाउंड के कुछ कमरों में ताला लगा दिखाई दिया, जिसे लेकर अधिकारी कुछ कमियों पर नाराज भी हुए। तो वहीं निरीक्षण के दौरान आरटीओ ऑफिस में भी सन्नाटा दिखाई दिया। नोडल अधिकारी के साथ हाथरस जिले के एडीएम, सीडीओ और अधिकारी भी निरीक्षण के समय मौजूद रहे। तो नोडल अधिकारी ने निरीक्षण किया है, रजनीश गुप्ता जिले के एडीएम, सीडीओ समेत पहुंचे, लेकिन कुछ कमरों पर ताला लगा हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने नाराजगी भी जताई है। हाथरस का एक पूरा मामला जहां पर
जो नोडल अधिकारी हैं रजनीश गुप्ता, उन्होंने परिवहन विभाग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान परिवहन विभाग कंपाउंड के कुछ कमरों में ताला लगा दिखा, जिसे लेकर अधिकारी कुछ नाराज नजर आए। तो वहीं निरीक्षण के दौरान आरटीओ ऑफिस में भी सन्नाटा दिखाई दिया है। नोडल अधिकारी के साथ हाथरस जिले के एडीएम, सीडीओ और अन्य अधिकारी भी निरीक्षण के समय वहां पर मौजूद रहे। हालांकि वहां जो कर्मचारी मौजूद थे उनमें जरूर हड़कंप मच गया। कुछ कमरों में ताला लगा हुआ था, जिससे यहां पर नाराजगी देखने के लिए मिली है नोडल अधिकारियों की। मेरठ में कोरोना के बाद अब डेंगू का खतरा भी बढ़ने लगा है। मेरठ में डेंगू के 20 मरीज सामने आए हैं, जो ज्यादातर कैंट इलाके से हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम पिछले कई महीनों से डेंगू के बचाव के लिए व्यवस्थाएं बना रहा है, लेकिन जब डेंगू का प्रकोप सामने आया तो मेरठ में डेंगू के मामले भी दिखने लगे। हालांकि मेरठ में डीएम और सीएमओ ने दावा किया है कि डेंगू से बचाव के लिए हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है, बरसात के पानी को किसी भी तरह से इकट्ठा नहीं होने देना है। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। तो कोरोना के बाद डेंगू का खतरा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरठ में डेंगू के 20 मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू और मलेरिया का खतरा लगातार बढ़ रहा है और एक वायरल बुखार भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कई लोगों की जान जा चुकी है, बच्चों पर ये ज्यादा इफेक्ट डालता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मेरठ की अगर मैं बात करूं तो मेरठ के डीएम का ये कहना है कि सभी तैयारियां कर ली गई हैं, साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो भी पूरी कर ली गई है। आसपास जो शहरी इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके, वहां पर जहां पर जल जमाव की स्थिति है उनको साफ कराया जा रहा है, ताकि डेंगू मलेरिया जैसे जो लक्षण हैं वो वहां देखने के लिए ना मिले और जो मच्छरों लगातार पैदा हो रहे हैं पानी में वो उनकी भी सफाई की जा सके। देखिए आज भी मेडिकल ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई गई है, लगातार 3 दिन से जूम भी हो रही है और शाम को डीएम सर भी मीटिंग लेते हैं। सबको बताया गया है कि अगर बुखार के साथ बहुत तेज सर दर्द है, शरीर में कुछ चकत्ते हैं, किसी प्रकार का उन लग रहा है कि बच्चा बेहोशी की तरफ जा रहा है या बड़ा कोई बेहोशी की तरफ जा रहा है या उसको बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, उसकी मसल्स में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हैं, तो बिल्कुल उसका तुरंत डेंगू जांच वहीं पे मौके पे की जाए और वहां पे मलेरिया की जांच भी की जाए और इसी के साथ साथ कोविड की जांच भी की जाए। तीनों प्रकार की जांचें वहां पे की जा रही हैं और अगर उस स्क्रीनिंग में कोई पॉजिटिव आता है तो उसके लिए एक एलाइजा टेस्ट होता है, जिसकी हमारे जनपद में बहुत अच्छी सुविधा है। इवन जो मेडिकल कॉलेज है, आसपास के जनपदों के भी केसेस वहां पे आते हैं और हम डेली क्रॉस नोटिफाई कर रहे हैं उन जनपदों को जो यहाँ पे एलाइजा पॉजिटिव आते हैं, उसका सीरम लेके हम भिजवाते हैं और आवश्यकता पड़ती है तो जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जनपद है जहाँ पे निकले डेंगू के साथ साथ स्ट्रेप्टाइटिस और लेप्टो पैरा के भी केसेस निकले हैं, अगर उसकी आवश्यकता भी ऐसी यहाँ पे नजर आएगी। अभी इस तरीके की सिचुएशन यहाँ नहीं है। देखिए फर्स्ट है कि अन्य जनपदों में डेंगू का ज़्यादा केसेस होने का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। हमारे जनपद में अब तक 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट ईयर भी यहाँ कुछ डेंगू का केसेस का रिपोर्टिंग हुई थी। हम लोगों ने अभी स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से अलर्ट है और मेडिकल कॉलेज और सीएमएस पीएल शर्मा सीएमएस महिला चिकित्सालय से डेली बात हो रही है। जो भी इस तरह की सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं उनको टेस्ट कराने का, समय से टेस्ट रिजल्ट देने का और जिसका सिम्टम्स सीवियर है उनका ट्रीटमेंट के संबंध में लगातार उनसे फीडबैक प्राप्त की जा रही है और साथ ही साथ जो अन्य विभागों को भी इसमें इन्वॉल्व कराना आवश्यक है, इसलिए डेली हम लोग रिव्यू करते हैं। जहां जहां केसेस की सूचना मिलती है वहां आसपास सोर्स रिडक्शन का काम और आगे ये डिजीज और ना बढ़े इसको लेकर पंचायत राज, ग्राम्य विकास और नगर विकास विभाग का कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। हम जनपद वासियों से मेरा अपेक्षा यह होगा कि हमेशा इसको कोई भी डिजीज है उसको रोकने में हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मऊ जिले में अब लोगों को खून की डायलिसिस के लिए महंगे अस्पतालों में भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डीडीसी की मदद से अब जिला अस्पताल में 12 बेड का डायलिसिस खुल गया है, जिसका उद्घाटन मऊ सीएमएस ने किया, जिसकी शुरुआत एक मरीज के डायलिसिस के माध्यम से की गई है। तो जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर खुला है, मऊ सीएमएस ने इसका उद्घाटन किया है। तो अब लोगों को खून की डायलिसिस के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, साथ ही महंगे यहां पर दाम नहीं देने पड़ेंगे। मऊ में
सीएमएस ने इसका उद्घाटन किया है। जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर खुला है जो कि करीब 12 बेड का बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।